हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स किड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पर जो मैं आपका सॉल्यूशन करवा रही हूँ भाई, जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम अभी हुआ है उनका, और उम्मीद है भाई, उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा ही गया होगा। ठीक है, सीडीपी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस जैसा दिया गया था वैसा आया नहीं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, और लिटरली बहुत दिमाग खराब है मेरा। अगर इतना दिमाग खराब है तो आप लोगों का तो क्या ही हाल होगा, वो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस को फटाफट से देख लेंगे कि आपके क्या आप लोग मार्क करके आए हो। अगर इस सीडीपी की बात करो तो इस सीडीपी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पर्सनैलिटी चैप्टर नहीं दिया गया था, तो पर्सनैलिटी का एक भी सवाल आपको नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो सीडीपी में आपके यहाँ से मेरे, अगर आपने वीडियोज देखी है मेरे मेरे थ्रू, अगर आपने पढ़ाई करी है, तो आपके यहाँ से 27 से 28 नंबर आने कन्फर्म है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर, मेरे को भी नया लगा है, ठीक है, मेरे को उसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। एक क्वेश्चन मुझे भी यहाँ पर बहुत नया लगा है, जो मैं आपको बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें कोई शायद नाम है कि ये किसने दिया है, ठीक है, वो शायद, वो मुझे भी नहीं आता था। तो 27 से 28 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर के अंदर। सीडीपी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। और ये आपका पता नहीं कौन सा पेपर है, मुझे नहीं पता, ये किसी ने मुझे भेजा, बहुत सारे कैंडिडेट ने पेपर भेजा, ये भी मुझे देख करके अच्छा लगा। बाकी बहुत ही ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, शायद आप लोग भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि कोई भी ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब आप इतने बड़े हाई अथॉरिटी पे होकर के आप ये बोलते हो कि आपका सिलेबस हम चेंज कर रहे हैं, आप खुद से सब कुछ सारे नोटिस वगैरह जारी करते हो, आप सिलेबस को जारी करते हो, और पेपर बनाने के लिए आप जब बैठते हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं आता कि आपने क्या सिलेबस जारी किया है। लिटरली मतलब ये चीजें ऐसी है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ठीक है, और इनसे कह के देख लो, इनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिलहाल आप आंसर्स को देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बाकी देखते हैं, हो सकता है सबकी अपनी अपनी राय है। जैसा भी चीजों के साथ आप मूव करते हो ना, हमेशा मतलब मैं आपके साथ ही चलने को एग्री करूंगी। ठीक है, कुछ भी, चाहे कोई स्टेप लेना हो, कुछ भी हो, बिकॉज लिटरली अगर यहां पर पढ़ाने वाले अगर दिमाग खराब, मतलब सबका हो रहा है लिटरली यहाँ पर, है ना, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन का लेवल ठीक आया है, मतलब डिफिकल्ट नहीं हम कह सकते, ना ही हम इजी कह सकते हैं। विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास से पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि वृद्धि और विकास से संबंधित क्या चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो चेंजेस इन बॉडी साइज, चेंजेस इन बॉडी प्रपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स और एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर। तो देखो, बॉडी साइज तो आपका ऑब्वियस बात है चेंज होता है, बॉडी के प्रपोर्शन में भी चेंज होता है, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर यानी कि नवीन विशेषताओं का भी धारण होता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये कह देना कि डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, जब भी ग्रोथ की बात होती है तो ऐसा नहीं है ना कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट जो वो हट जाता है, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट में ऐसा कुछ होता है, तो ये हम नहीं कह सकते यहाँ पर कि डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर। आप ये कह सकते हो कि आप नए फीचर को एक्वायर करते हैं। तो ए बी और डी यहाँ पर सही है। ठीक है, आपको चूज करना है, तो ए बी और डी आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू में ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही चलूंगी, बिकॉज टीजीटी और पीआरटी का जो पेपर है ना, वो आपका कल होने वाला है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझते हुए चलना। बाकी पीजीटी वाले सिर्फ अपना आंसर्स को देख लो कि क्या आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, एक दो आंसर हो सकता है भाई इधर उधर हो जाए, बाकी मैंने पूरी तरफ से पूरी कोशिश करी, अच्छे से देख देख के पूरा आपको बनाया है क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, पहले मैंने एनालाइज कराया, फिर मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइगोत्स्की का बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा गया है कि वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। वाइगोत्स्की ने जेड एडी की बात करी है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की बात करी है, जेड पीडी की बात करी है, स्केफोल्डिंग की बात करी है ना, मचान जिसको बोलते हैं, जो इसको पाड़ वगैरह जिसको बोलते हैं, तो ये इसे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपका जेड एडी है जिसको बच्चा खुद से कर सकता है, और ये वो चीज है जो बच्चा किसी की हेल्प लेके कर सकता है। तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस है, जो बच्चा खुद से नहीं कर सकता बल्कि किसी की हेल्प से कर सकता है, वो आपका जेड पीडी कहलाता है। तो देख लो ऑप्शन में कहां पर है, व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है जेड पीडी को, वो जेड एडी कहलाएगा। व्हाट द चाइल्ड कांट डू इंडिपेंडेंटली, ये भी नहीं होगा। व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, एमक्यू की हेल्प से जो बच्चा कर सकता है ना, वो आपका जेड पीडी कहलाता है, वो गैप कहलाता है। समझ में आई ये सारी चीजें, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, इफ ए लर्नर डज नॉट अचीव्ड एक्सपेक्टेड
परफॉर्मेंस, व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन टू फाइंड आउट द रीजन। ये कह रहा है कि बच्चा जो अचीव करना चाहता था, बच्चे ने कोई अगर लर्निंग करी है तो जो हम लोग अचीव करवाना चाहते थे कि बच्चे ने कितना सीखा, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हमें किस प्रकार की टेस्टिंग करनी चाहिए, और ताकि हम कारण को फाइंड आउट कर सके। फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, रिमीडियल और समेटिव। तो मैंने न जाने कितनी बार आपको ये बताया है कि हम लोग डायग्नोस्टिक जो टीचिंग है वो कब कर, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हम कब करते हैं और रिमीडियल टीचिंग हम कब करते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसमें हम ये पता लगाते कि बच्चा कहां पर पीछे रह रहा है, और जब हमें ये पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, तब हम रिमेडियल टीचिंग करते हैं। ठीक है, तो 3 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। फटाफट से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Which one of the following is not a key feature of child-centered learning approach? बाल केंद्रित अधिगम जो है उसकी विशेषता नहीं है, नोट कहा है, कौन सी विशेषता नहीं है? मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सिंगल लर्निंग पाथवे, कंटिन्यूस असेसमेंट, या फिर एसेसिबल लर्निंग। देखो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप ऑप्शंस को भी देख करके चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप इन ऑप्शंस को देख पा रहे हो ना, तो एक ऑप्शन यहाँ पर अजीब सा है, बाकी सारे बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन है। जैसे देखो कहता है सार्थक सीखने का अवसर, ठीक है, सार्थक सीखने का अवसर। दूसरा कहता है एकल शिक्षण मार्ग, यानी कि आप एक ही तरीके से पढ़ाओगे तो ये कोई बात नहीं होती। आप कभी, हम लोग अपनी एज ए टीचर हमें बहुत सारे अल्टरनेट वेज ढूंढनी चाहिए बच्चे को समझाने के लिए। आप सिंगल लर्निंग पाथवे को नहीं चूज कर सकते हो। और सतत मूल्यांकन एक पॉजिटिव टर्म है, और आपका एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग्स, ये भी सही बात है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके 27 से 28 प्रश्न जो है वो ठीक होने चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े और प्रैक्टिस करे ना, तो 27 28 नंबर आना कोई भी बड़ी बात है नहीं। सो पांचवा क्वेश्चन कहता है थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोपाउंडेड बाई हूम। ये क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मार्क करूंगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाता है वो सिंपली वन ऑप्शन आ जाएगा, ग्रिफिथ, कूपर और रिंगलाबेन। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की बात करी, तो इस क्वेश्चन को आप भले ही नेग्लेक्ट कर दे, या फिर हो सकता आप में से आता हो किसी को एक प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर डायमेंशन अंडर द थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस मोटलो मोटरनी थ्योरी ऑफ गिलफर्ड। गिलफर्ड की थ्योरी को हमने बहुत ही अच्छे से करा था, जिसमें इन्होंने 180 फैक्टर्स बताए थे इंटेलिजेंस के। ठीक है, जिसमें आपका कंटेंट था, ऑपरेशन था, प्रोडक्ट था। अब याद आ रहा है, याद आ रहा है ना वो सारी चीजें। अगर आपने ये बढ़िया तरीके से किया ना, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, जिसको मैंने अच्छे से करवाया था आपको, ये आपकी इंटेलिजेंस थ्योरी से आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंटेलिजेंस थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आपसे सिर्फ हॉवर्ड गार्डनर ही पूछा जाएगा, आपसे अदर थ्योरी भी पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस करी है। तो अच्छे से देख करके जाना इन थ्योरीज को भी। ठीक है, देखो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपके डायमेंशन है। यूनिट जो है किसका पार्ट है, प्रोडक्ट का पार्ट है। इसमें से आपको गलत पेयर चूज करना है, कॉग्निशन ऑपरेशन का है, इवैल्यूएशन ऑपरेशन का, या फिर रिलेशन कंटेंट का है। तो यूनिट जो है वो प्रोडक्ट का ही पार्ट होता है, कॉग्निशन आपका ऑपरेशन का ही पार्ट होता है, इवैल्यूएशन जो है वो ऑपरेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन जो रिलेशन है ना ये आपके कंटेंट का पार्ट नहीं होता। जबकि रिलेशन जो है वो आपका किसका पार्ट होता है, ये आपके प्रोडक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो 6 का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7। एंड में आप मुझे बताओगे कि आपको कितना हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आप मुझे जरूर बताओगे। अकॉर्डिंग टू बेंडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बेंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको विकारियस लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ए पर्सन लर्न्स द सेम बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड रिपीटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। जब हम लोग दूसरों को ऑब्जर्व करके हुए सीखते हैं, जब हम उनके बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो इसको क्या नाम दिया है बेंडुरा ने? तो आपके साथ मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, अडेप्टेशन नहीं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि मॉडलिंग का जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये बेंडुरा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मॉडलिंग की जब भी बात आती है तो आप किसको मार्क करेंगे, आप किसको मार्क करोगे भाई, सोशल लर्निंग थ्योरी जिन्होंने दी है, एल्बर्ट बेंडुरा ने। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन को देखो। 8th क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा अटक गए हो, पेवलोव की, क्योंकि इसने थोड़ा घुमा फिरा के चीजें पूछी है। पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टेम्पोरल सीक्वेंस प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल एंड कंडीशन स्टिमुलाई विल अफेक्ट मोर। यानी कि इसमें से आप कौन किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि वो जो है जो लर्निंग हो रही है उसको काफी अच्छे तरीके से क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, मोस्ट अफेक्ट करेगी।
ठीक है, हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आया हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा साइमल्टेनियस यानी कि समकालिक, ठीक है, विलंबित नहीं, संकेत नहीं, बैकवर्ड नहीं, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर वन आ जाता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर त्रुटि अगर होती है और अगर मुझे पता चलती है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन करके आपको डाल दूंगी, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जिसका एक सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा समाजीकरण की प्रक्रिया पर, कौन सा नहीं है? सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रूल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रीजुडाइसिस। प्रीजुडाइसिस का मतलब होता है कुछ ऐसे चीजें जो आपके समाज में पहले से चली आ रही है, कुछ ऐसे रीतियां, कुछ ऐसे चीजें जो आपके समाज में ऑलरेडी मतलब चली आ रही है टाइम टू टाइम। तो देखो ये सारी तीनों चीजें ना वो पॉजिटिव है कि आप सोशली अप्रूव बिहेवियर करते हो, आप अप्रूव्ड सोशल रूल को प्ले करते हो और सोशल एटीट्यूड आपका डेवलप हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे जिनको आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। तो टीजीटी वाले और पीआरटी वाले अकॉर्डिंगली क्या रहे, प्रिपेयर रहे। सीडीपी को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी ओल्ड सारी चीजें पूछी जा रही है तो आप ना एक बारी उसको जरूर करके जाना। ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि इन्होंने पर्सनैलिटी का टॉपिक नहीं दे रखा, भाई आपका दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल रत्ती भर विश्वास नहीं करती हूँ अब इन लोगों पर, ठीक है। मेरा पहले से डगमगाया हुआ था और अब तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। तो टेंथ क्वेश्चन कहता है तो आप भाई कोई टॉपिक मत छोड़ के जाना, ठीक है। टेंथ को हो सकता है कल आपको पैडागोजी भी देखने को मिल जाए, हो सकता है, नहीं मिलनी चाहिए वैसे तो, वैसे तो नहीं मिलनी चाहिए, अब बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए है, लेकिन पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। सोशलाइजेशन मींस अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। जब आप सामाजिक रिश्तों में जब आप मैच्योर हो जाते हो, परिपक्व हो जाते हो, ये मतलब होता है। तो ये जो सोशलाइजेशन की परिभाषा वो किसके द्वारा दी गई है, तो एक ये बहुत ही यूनिवर्सल डेफिनेशन है जो कि हर लोग के द्वारा दी गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो भाई जरूर आता है, एक से दो प्रश्न ऐसे जरूर पूछे जाते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग। अधिगम के ऊपर अभिप्रेरणा का सकारात्मक प्रभाव कौन सी स्टेटमेंट नहीं डाल रही है। तो इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अकेला ऑप्शंस ऑप्शन बता देंगे आपको। मोटिवेशन इंपेयर्स लर्निंग बिहेवियर, क्या जो अभिप्रेरणा है सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है, आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा तो यही मिल गया मुझे आंसर, भाई मोटिवेशन किसी भी तौर पर हमारी जो लर्निंग है उसको खराब करने का काम नहीं करती, उसको क्षीण करने का काम नहीं करती, कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करती है। बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ के देख लो, ये प्रोवाइड करती है डेफिनेट डायरेक्शन, बिल्कुल प्रोवाइड करती है, एनर्जाइज करती है, बिल्कुल करती है, और लर्निंग के बिहेवियर को मोटिवेशन मेक्स लर्निंग बिहेवियर सिलेक्टिव, ये भी बढ़िया बात है। तो ऑप्शन नंबर वन यहां पर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन से भी आप चीजों को कर पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन डाले हुए मतलब अच्छे डाले हुए प्रश्न, ठीक है, आप डिफिकल्ट नहीं कह सकते हो। तो 12th क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो सामाजिक रूप से वंचित है उनके लिए आप किस प्रकार की एजुकेशन चुनोगे। अब ये भी बहुत ही मतलब मजेदार सा क्वेश्चन है, आप इनफॉर्मल एजुकेशन चुनोगे, आप स्पेशल एजुकेशन चुनोगे, आप इंक्लूसिव एजुकेशन चुनोगे, या फिर आप रिलीजियस एजुकेशन चुनोगे। तो ऑब्वियसली बात है हम क्या चुनेंगे, हम उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन चुनेंगे जिसमें हर प्रकार के बच्चे है ना, हर ग्राउंड के बच्चे होते हैं, ताकि वो सोशलाइज हो सके। तो 12 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ऑप्शन। 13 पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड नॉट बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके लिए आपको कौन सा एजुकेशनल अरेंजमेंट नहीं चुनना है इनमें से। तो आप उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क, या फिर आप एक्सेलरेशन करेंगे, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, ठीक है। और ये मैंने आपको समझाया है, बहुत बार क्वेश्चन में भी आया है, रिमीडियल टीचिंग करोगे या फिर आप उनको एनरिच्ड प्रोग्राम देंगे। तो भाई क्या ही क्वेश्चन है ये, है ना, आप रिमीडियल टीचिंग क्यों करेंगे उनके लिए, वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, वो ऑलरेडी गिफ्टेड बच्चे हैं, आप उनको रिमीडियल टीचिंग क्यों करेंगे, वो ऑलरेडी सब जानते हैं। तो आप उनको एक्सेलरेशन कर सकते हो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है आप उनको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपके साथ काफी डिबेट डिस्कस किया है, आप उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, आप उनका एनरिच्ड प्रोग्राम भी बनाएंगे, लेकिन जो नहीं करेंगे वो रिमीडियल टीचिंग करेंगे। वो रिमीडियल टीचिंग उनके लिए होती है जिनका आप डायग्नोज करते हो, डायग्नोसिस करते हो, ठीक है। 14th के पे चलते हैं विच इज नॉट अ रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की आवश्यकता है, इसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल इन बच्चों से रिगार्डिंग नहीं है। एडमिशन देंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल देंगे। आप प्रोवाइड करोगे एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, तो आप उनके लिए अकॉर्डिंगली सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे।
या फिर आइडेंटिफाई करेंगे देयर स्पेशल नीड्स एंड एक्सक्लूड. ये देखो एक्सक्लूड, आप कैसे किसी बच्चे को एक्सक्लूड कर सकते हो. तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही मतलब बेकार सा है क्वेश्चन, लेकिन इसने नोट पूछा इसलिए हम लोग, मैंने बताया था ना कि वो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ढूंढो, नेगेटिव के लिए नेगेटिव ढूंढो, तो नोट बोला तो हम नेगेटिव ढूंढेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आगे मैं जाऊंगी ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन अ क्रिएटिव चाइल्ड. किसी भी क्रिएटिव बच्चे में, एक सृजनशील बच्चे में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा मतलब क्या, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा, थिंकर नहीं होगा, वो एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी वाला नहीं होगा, वो हाई इमेजिनेशन वाला नहीं होगा, या फिर वो कन्वेंशनल थॉट वाला नहीं होगा. भाई ये अगर इंग्लिश में समझना तो हिंदी में चलो, आप सारे चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग वो बच्चे होते हैं जो रखते हैं, वो लोग होते हैं जो एक प्रॉब्लम का बहुत तरीके से समाधान जो निकालना जानते हैं. तो ये बिल्कुल होते हैं, जिज्ञासा वाले भी होते हैं और उनकी जो इमेजिनेशन है वो भी बहुत हाई होती है. तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. बढ़िया दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन अच्छे दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है. हाँ, हमें डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हुई है कि हम पेडागोजी के पीछे पड़े रहे, हम पेडागोजी पढ़ते रहे, है ना. ऐसा नहीं होगा ना भाई, इन्होंने पेपर कभी तो बनाया होगा, अरे 10 दिन पहले ही बनाया होगा, 20 दिन पहले बनाया होगा, 15 दिन पहले बनाया होगा, लेकिन किसने बनाया है, क्या उस इंसान को ये नहीं पता कि सिलेबस में क्या है. मैं मतलब ये एक सवाल है जो शायद सबके जहन में होगा इस टाइम, है ना, क्या मतलब इतना इरिस्पॉन्सिबल चीजें कौन कर सकता है. आप इतनी हाई कमान में बैठे हो और आप इतना इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहे हो, हद है. मतलब बहुत ही ज्यादा गलत बात है ये. आप तो खेल गए, मतलब पता है खेलना किसे कहते हैं, खेलना ही सही कहते हैं. 16. इन विच स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब स्टार्ट हो जाती है बच्चे की. तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कब स्टार्ट हो जाती है पियाजे में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अति महत्वपूर्ण, मैंने आपसे बार बार ये करवाते हुए भी कहा था जब हमने फ्रूड का ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी, कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेज, मतलब नंबरिंग पे डालना है. तो आपको नंबरिंग याद रखनी है, पहले ओरल आता है, फिर एनल आता है, फिर आती है क्या फैलिक आती है, फिर आपकी क्या आती है लेटेंसी आती है, और उसके बाद जेनिटल आती है. तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है. ये आपको याद करना है भाई, कहा था ना मैंने आएगा, और ले आ गया यहाँ पे. 18 क्वेश्चन है, इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इट ऑल्सो मीन नो एक्सक्लूजन ऑफ एनी चाइल्ड. इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, किसी भी बच्चे का बहिष्कार नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ आप डिसेबल्ड बच्चों की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, हम हर प्रकार के बच्चे की बात कर रहे हैं. ये जो मीनिंग है इंक्लूजन का, वो किसके द्वारा दिया गया है, NCF के द्वारा, NCERT, यूनेस्को, या फिर यूनिसेफ. तो ध्यान में रखिएगा, ये NCF 2005 ने कहा है. ठीक है, अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द एक्विजिशन ऑफ, जब भी मैथमेटिक्स चीजों की बात आती है तो उसे डिसकैल्कुलिया बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे. 19 का फर्स्ट है. चलिए 20 क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं. मैच करिएगा यहां पर, मैच द स्टेजेस ऑफ मोरालिटी, है ना. देखो मैंने कहा था आपको, कॉलबर की जो है उन्होंने 3 लेवल दिए हैं, लेकिन स्टेज उसने 6 दिए हैं, ध्यान में रखेंगे. अब आपको मैचिंग करना बता दिया, और ये कई बार ना बहुत कंफ्यूजिंग रहता है. हम बस ये देख लेते हैं कि इस स्टेज के अंदर ये है, लेकिन ये नहीं देख पाते पहला स्टेज कौन सा है, दूसरा स्टेज कौन सा है, ये पूछा जाता है. ठीक है, तो चलो, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन कौन सा है भाई. अगर स्टेज की बात करें, और आपको फिलहाल तो ये लेवल में अरेंज करने हैं, तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशन जो है आपका लेवल नंबर 2 में जाएगा. ठीक है, ए जो है वो 2 की बात करता है. इंडिविजुअल और एक्सचेंज जो है वो आपका लेवल 1 के अंदर जाता है. ठीक है, जो आपका टिट फॉर टैट वाली अवस्था है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगी, तूने मेरा पैन तोड़ा मैं भी तेरा पैन तोड़ूंगी. ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट आपका ये 5th नंबर की स्टेज है, और ये आपके 3rd में जाती है. यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी आपका 3rd में जाता है. ठीक है, इसकी बात करूं तो ये दूसरा स्टेज जो सॉरी 3rd आपका स्टेज है, ये आपका दूसरा है. ठीक है, पहला आपका ओबीडियंस और पनिशमेंट वाला है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे. तो ये देख लो कहाँ है, ए का मतलब है, ए का मतलब है 2, ए का मतलब 2 3rd में भी है, 4th में भी है. बी का मतलब है 1, ये आ गया. ठीक है, 2 1 3 3, है ना, लास्ट के 3 के 3 3 ही है. तो 20 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव्स. ऐसे मोटिव जो आपके अंदर जन्मजात होते हैं, जैसे आपका सोना,
ठीक है, जैसे आपका पेन, भाई पेन आप सीखते नहीं हो ना कि हाँ मेरे को दर्द करना सिखाओ या फिर दर्द फील करना सिखाओ, वो चीज़ें जन्मजात होती है। ठीक है, तो उनकी ही बात करी जा रही है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बायोलॉजिकल मोटिव के बारे में। तो ये यूनिवर्सल होते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल होते हैं, ये इनबोर्न भी होते हैं, जन्मजात होते हैं, ये एसेंशियल टू सर्वाइवल भी होते हैं। भाई भूख लगना तो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है ना, आपके नींद लेना, आपका रेस्ट करना, ये सब सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इन्होंने नोट पूछा है। 22वें क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा एक सिद्धांत है वो सही नहीं है। अब ये प्रश्न भी बहुत इजी है। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, भाई क्यों करेंगे हम सेग्रीगेशन, इसने हमें कहा है इंक्लूसिव, इंक्लूजन की बात करो। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, हर प्रकार के बच्चे को एक ही क्लासरूम में लेके आओ, और ये कह रहा है मुझे सेग्रीगेशन करने को, मैं क्यों करूंगी सेग्रीगेशन। ठीक है, देखो मैसेज आए जा रहे हैं, मैसेज बहुत आए, मतलब वाकई में बहुत दुखी है कैंडिडेट जिनने भी, जिन्होंने भी एग्जाम दिया ना, बहुत दुखी है वाकई में। और ये बहुत ही एक, मुझे लगता है एक शर्म की बात है ये चीज़ें, है ना, कि आप लोग ऐसे कैसे खेल सकते हो किसी के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन। 22 का जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 विच सब कॉम्पोनेंट, अगर यही बात कोई भी एक कैंडिडेट कहे ना, मान लो अगर उसकी एज निकल गई है या फिर कोई और दिक्कत हो गई है, मान लो फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई है कि भाई हमें एक मौका और दो, तब नहीं बोलते ये, लेकिन अपनी नहीं देखते कि अब हमने क्या किया है, कौन कहे इनसे, है ना, कौन शरमा रहे हैं अब इनके साथ। विच सब कॉम्पोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, ये आपका स्टर्नबर्ग की ट्रायर की थ्योरी मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस करी थी, है ना, जिसमें ये तीन प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। ठीक है, जैसे जो आपका है क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल है, और क्या है, कॉम्पोनेंशियल है। ठीक है, तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के सब कॉम्पोनेंट की बात करी जा रही है, तो कौन सा नहीं बोला है, मेटा कॉम्पोनेंट है, एक्सपेरिमेंटल है, या फिर परफॉर्मेंस है, या फिर नॉलेज एक्विजिशन है। तो ध्यान में रखेंगे मेटा भी है, परफॉर्मेंस भी है, और नॉलेज एक्विजिशन भी है, जो नहीं है ना वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, ये ध्यान में रखेंगे, एक्सपेरिमेंटल जो है वो कॉम्पोनेंशियल का हिस्सा नहीं है, जबकि ये क्रिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का हिस्सा है, ध्यान में रखेंगे। 23 का बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 24। 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस आर द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी की बात करी जा रही है, कौन इसमें बेसिक है, रिटन, ओरल, बिहेवियरल, फिर प्रैक्टिकल, ये सारे ही हैं भाई, है ना, रिटन एग्जाम भी है, ओरल भी है, बिहेवियरल एग्जाम भी, और प्रैक्टिकल भी, ये सब है, इसलिए 4th आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ सीडीपी को सॉल्व करेंगे, आगे हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के भी लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, चलो 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संबंध में कौन सी चीज सही नहीं है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है ये, लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल। ये देखो, अगर आपने अपने डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो मैंने अपनी वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया था, ये तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमने नोट पूछा है, ये बिल्कुल ही गलत बात है कि बाद का जो विकास है वो जरूरी नहीं होता, पहले का विकास हमेशा बाद के विकास को प्रभावित करता है। पहले अगर विकास अच्छे से नहीं हुआ है ना, तो बाद में भी फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ये कह देना कि बाद का विकास मैटर करता है, नहीं, ये गलत है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अडोलेसेंस, किशोरावस्था के बारे में बात करी जा रही है, अंडर एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर कौन सी चीजें सही है। तो एरिक्सन की जो थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है, ये कह रहा है ईगो आइडेंटिटी विद पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट, या फिर नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या फिर जस्ट ए साइको, ये भाई अजीब सा ही प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ईजी ही है कि ईगो आइडेंटिटी है ना, ये नेगेटिव क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, और जस्ट भी नहीं कह सकते हो आप, लेकिन क्या है, पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट है, इसलिए 26 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर आ गया ना अब एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो पर्सनालिटी को हटा दे तो इंटेलिजेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन डाले हुए इन्होंने। तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट इज ए परफॉर्मेंस टेस्ट, या फिर वर्बल टेस्ट कैन बी ईदर इंडिविजुअल और ग्रुप। ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक होता है आपका कौन सा इंडिविजुअल, और एक होता है आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, जिसको आप नॉन इंडिविजुअल बोल, नॉन सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, एक होता है आपका वर्बल, एक होता है आपका नॉन वर्बल, जिसको आपको परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हो, ये दोनों आपके इंडिविजुअल और ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप भी होते हैं, वही बात कर रहा है कि वर्बल जो है वो आपका
ग्रुप और ये दोनों होते हैं। इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, ये कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं दे सकते हैं, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। बाकी चीजें आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, ये नहीं है, ठीक है। इलिटरेट पीपल, अगर वर्बल की यहां पर बात हो ना, देखो परफॉर्मेंस तो करना, इसमें पढ़ाई लिखाई क्या आ जाएगी, अगर बात हो वर्बल टेस्ट की यानी कि शाब्दिक परीक्षण की, तो आप इसमें कह सकते हो, जिसमें आपको भाई वर्बल मतलब आपकी लैंग्वेज से बात करी जा रही है, तो इसमें आप कह सकते हो कि जो लोग अनपढ़ है या फिर पढ़े लिखे नहीं है वो इसमें सक्षम नहीं है, लेकिन ये कह देना परफॉर्मेंस में, तो इसलिए आपका 27 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा, फिर से बेंड्यूरा से सवाल आ गया है कि इंटरलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑप्शन पढ़ो, कितने बढ़िया मजेदार ऑप्शन है। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा है क्या, हमने अटेंशन की भी बात करी, हमने रिटेंशन की बात करी, हमने मोटिवेशन की बात करी है, हमने एक आता हो रिप्रोडक्शन उसकी भी बात करी है, लेकिन कंजंक्शनल की कोई भी बात नहीं करी है, ठीक है। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज आ जाएगी। 29 कहता है व्हेन द लर्नर लर्न ए टास्क ऑटोमेटिकली, जब भी कोई लर्नर एक टास्क को ऑटोमेटिकली पढ़ता है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को ऑटोमेटिकली गेन कर लेता है, तो उसको क्या कहलाया जाता है, सिंपल सी बात है, उसको क्या कर, उसको इंसिडेंटल लर्निंग कहा जाता है, कि उसने बस सीख लिया है, उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन उसने सीख लिया है। तो इंसिडेंट पता है ना सबको क्या होता है, भाई इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, ये मतलब वो होना नहीं था, वो चाह नहीं रहा था लेकिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग मतलब व्यक्तिगत विभिन्न भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन कौन नहीं करता, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या फिर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, करिकुलम अडेप्टेशन या फिर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज। तो ध्यान में दो, यहां पर बात करी जा रही है किसकी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ना वो सही है कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो ये क्वेश्चंस थे 30 आपके जो आज यहाँ पर हमने डिस्कस करे हैं, और आप सभी के मार्क्स मुझे सुनने हैं कितने आ रहे हैं, क्योंकि आपके मुझे लगता है यहाँ पर भाई 25 से ऊपर नंबर तो आने ही आने चाहिए, बिकॉज हमने काफी सारा कंटेंट पढ़ लिया था, मैं एक या दो क्वेश्चन को छोड़ सकती हूँ, ठीक है। 27 से 28 नंबर भी आपके यहाँ पर आए जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है बढ़िया पूछे गए थे। हिंदी और इंग्लिश के आगे लेकर के आ रही हूं, मैथ्स और रीजनिंग के भी लेकर के आ रही हूं, ठीक है। तो कैसे लगी आपको वीडियो, कितने नंबर आ रहे हैं मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए, कल जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, बाकी अकॉर्डिंगली करके जाइएगा, अपना जो क्वेश्चन है वो सभी देख लो भाई, कैसे पूछे जा रहे हैं कैसे नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो, इसको यहीं पर रोकती हूं मैं, और सभी साथ जरूर शेयर करना ताकि सब लोग अपने आंसर की मैच कर सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।